गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। हम अपना हिंदी ग्रामर शुरू करेंगे, क्लास 8 का पार्ट 8, संज्ञा। हमने संज्ञा में संज्ञा की परिभाषा, व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा और भाववाचक संज्ञा कर लिया है। अब हम आगे करेंगे संज्ञा के अन्य भेद। कुछ विद्वान उपयुक्त के अतिरिक्त संज्ञा के दो और भेद मानते हैं। कुछ जो विद्वान हैं वो सिर्फ ये तीन भेद नहीं मानते, जातिवाचक, भाववाचक और व्यक्तिवाचक, वो मानते हैं कि दो अन्य भेद भी हैं। पहला है द्रव्यवाचक संज्ञा। जो संज्ञा शब्द किसी द्रव्य या पदार्थ का बोध कराते हैं उन्हें द्रव्यवाचक संज्ञा कहते हैं। यानी कि ऐसी संज्ञा शब्द जो किसका, किसी चीज़ का या पदार्थ का बोध कराते हैं उसे द्रव्यवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे लोहा, सोना, चांदी, पीतल, तांबा, मिट्टी, जल, वायु, दूध आदि। फिर देखो सेकंड, समूहवाचक संज्ञा। जो शब्द संज्ञा अनेक व्यक्तियों या प्राणियों के समूह का बोध कराते हैं उन्हें समूहवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे कक्षा, भीड़, सभा, जनता, सेना, पुलिस, परिवार आदि। यानी कि ऐसी संज्ञा जो क्या करें, हमें पूरे समूह का बोध कराए, प्राणियों के समूह का, व्यक्तियों के समूह का, तो उन्हें हम क्या बोलेंगे, समूहवाचक संज्ञा। द्रव्यवाचक संज्ञा और समूहवाचक संज्ञा की गणना जातिवाचक संज्ञा के अंतर्गत ही होती है। कुछ लोग तो मानते हैं कि संज्ञा के दो और भेद हैं, और जो नहीं मानते वो क्या करते हैं, द्रव्यवाचक संज्ञा और समूहवाचक संज्ञा की गिनती किस में कर लेते हैं, जातिवाचक संज्ञा में, जातिवाचक संज्ञा के अंतर्गत ही इन दोनों की गिनती कर लेते हैं। फिर आगे देखो व्यक्तिवाचक संज्ञा का जातिवाचक संज्ञा के रूप में प्रयोग। जो व्यक्तिवाचक संज्ञा है उसका जातिवाचक संज्ञा के रूप में प्रयोग हम कैसे कर सकते हैं। जब जातिवाचक संज्ञा बहुवचन में प्रयोग की जाती है तो वह जातिवाचक संज्ञा बन जाती है। जब व्यक्तिवाचक संज्ञा को हम बहुवचन में प्रयोग करेंगे तो वह क्या बन जाएगी, जातिवाचक संज्ञा बन जाएगी। जैसे आज भी हमारा देश हरिश्चंद्रों से खाली नहीं है। यानी कि आज भी जो हमारा देश है वो हरिश्चंद्रों से भरा हुआ है। हरिश्चंद्र क्या होते हैं, हरिश्चंद्र एक व्यक्ति का नाम है, व्यक्तिवाचक संज्ञा है, पर हरिश्चंद्रों यानी कि हम अपने देश के बहुत सारे लोगों की बात कर रहे हैं। तो हरिश्चंद्र कौन थे, जो सत्यवादी थे, तो इसलिए कह रहे हैं कि हमारा देश जो है वो अभी भी हरिश्चंद्रों से खाली नहीं है, यानी अभी भी यहाँ पर सत्यवादी लोग हैं। न जाने कितने नटवर लाल लोगों को ठगते आ रहे हैं। यहाँ पर नटवर लाल का मतलब है जो ठगी होते हैं ना, जो लोगों को धोखाधड़ी में ठग के चले जाते हैं उन्हें बोलते हैं। तो न जाने कितने नटवर लाल, यहाँ पे कितने लगा दिए, यानी बहुत सारे नटवर लाल की बात हो रही है। नटवर लाल लोगों को ठगते आ रहे हैं, मतलब बहुत पहले से जो नटवर लाल हैं यानी जो ठगे लोग हैं वो ठगते आ रहे हैं लोगों को। हमें अपने देश को जयचंद्रों से बचाना होगा। और फिर आगे क्या है कि हमें अपने देश को जयचंद्रों से बचाना होगा। जयचंद्र कौन थे, हमारे देशद्रोही थे, भारत के देशद्रोही थे। तो इसलिए यहाँ पर क्या लिखा है, हमें अपने देश को जयचंदों से, प्लूरल फॉर्म में यूज़ किया गया है बहुवचन में, तो ये क्या है, व्यक्तिवाचक से जातिवाचक बन गया, तो जयचंदों से बचाना होगा। यानी हमारे देश में भी कुछ ऐसे लोग हैं जो देशद्रोही हैं, उनसे हमें बचाना होगा अपने देश को। विदेशी आक्रमण के समय विभीषणों की चांदी हो जाती है। यानी जब विदेश वाले हम पे आक्रमण कर देते हैं तो जो विभीषण है, विभीषण कौन था, रावण का भाई था, उसने अपने भाई के साथ धोखा किया, तो इसलिए उसे विभीषण, इसलिए ये बोला गया है कि विभीषणों की चांदी हो जाती है। यानी जो हमारे देश को धोखा देने वाले लोग हैं उनकी तो मौज हो जाती है। तो हरिश्चंद्र, नटवरलाल, जयचंद और विभीषण व्यक्तिवाचक संज्ञाएँ हैं। ये सब क्या है, व्यक्तिवाचक संज्ञाएँ हैं, लेकिन उपयुक्त वाक्यों में इनका प्रयोग बहुवचन में हुआ है, इसलिए जातिवाचक संज्ञाएँ बन गई हैं। पर जो ऊपर के वाक्य हैं इनमें इनका यूज़ कैसे हुआ है, प्रयोग कैसे किया गया है, बहुवचन में किया गया है, इसलिए जातिवाचक संज्ञा बन गई। तो आपने देखा व्यक्तिवाचक संज्ञा से हम जातिवाचक संज्ञा के रूप में कैसे प्रयोग करते हैं व्यक्तिवाचक संज्ञा को। ठीक है, आगे भाववाचक संज्ञा और जातिवाचक संज्ञा के रूप में प्रयोग हम ये नेक्स्ट क्लास में करेंगे। थैंक यू फॉर लिसनिंग।